पानी भरने गई नाबालिग पीड़िता के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या एक ने 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है और साथ ही 25,000 के आर्थिक दंड से भी उसे दंडित किया गया है। मामला 8 अगस्त 2017 का है, जब विजयनगर थाने में 17 वर्षीय पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया कि आरोपी राजू उर्फ राज ने पानी भरने गई नाबालिग को अगवा कर पानी की टंकी के पीछे दुराचार किया और फरार हो गया। इस दौरान नाबालिग बच्ची की काफी चोट भी आई थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी राजू को गिरफ्तार किया और पॉक्सो एक्ट कोर्ट में पेश किया, जहां लगातार सुनवाई के बाद आज न्यायालय ने आरोपी राजू को 10 साल के कठोर कारावास और 25,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 दस्तावेज और 8 गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को सजा का ऐलान किया गया। मामला ये है कि आज विशेष न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री रतनलाल जी मुंड द्वारा 376(1) व 3 व 4 पॉक्सो एक्ट की धारा में अभियुक्त राज को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। घटना अनुसार पीड़िता की मां ने विजयनगर थाने के अंदर एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री घर पर अकेली थी और वो सरकारी नल पर पानी भरने गई थी। जहाँ पानी भरने गई थी वहाँ से ये राज उसको जबरन पकड़ के ले गया और उसके साथ जबरन उसका अश्लील हरकत करते हुए उसका बलात्कार किया। इसके पुलिस ने तफ्तीश की, उसका मेडिकल कराया और उसके 164 के न्यायालय में बयान कराए। संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को आज 10 साल की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। इसके अंदर 15 दस्तावेज और 7 गवाह प्रस्तुत किए गए हैं।